हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे। और मैं आज फिर नया ब्लॉग्स लेके आप लोगों के पास आई हूँ। मैं खाना बना रही हूँ, सुबह का 8 बज रहा है, सब पूजा की तैयारी में व्यस्त है। अभी वहाँ पे जो पूजा करेंगे वो जगह लिपना होगा, गोबर देके वो सब तैयारी कर रही है दीदी। और मैं खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाना बनाने की ओर लग गई। कपड़ा धोना पड़ेगा अभी पूजा के लिए, पूरा साफ सफाई भी चल रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, नए नए अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी। सब्जी भी मैंने बना लिया और साग तैयार करके रखा है, ये फिर धोना पड़ेगा एक बार। इधर भी है, और मैं किचन में साग काटने लग गई। और भैया भी दूध लेके आ गए, साग बनाना है अभी। एक सब्जी बन गई, साग बनाना है, दाल बन चुका है, तो अभी साग काटने लग गई। और देखिए आगे आगे क्या क्या करते हैं, क्या बनते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे मिट्टी भी ला के रख दिया है, अब ये जगह को लिपना होगा, तैयार करना होगा पूजा के लिए। नहीं लिपने से तो यहाँ पे सामान नहीं होगा, इसलिए मिट्टी भी ला के दादा ने चावल भी बासने लग गए। और ये चावल पूजा के लिए चाहिए, जिसको गिनती करके रखना होता है, इसलिए सब मिलके कोई चावल बासने लगे, कोई टपड़ा पत्ते के पास से बाटी। सब घर में काम चल रहा था और हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया, काम भी लगभग ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं, मेरी मम्मी और बेटी, दो और बेटा मिलके हम लोग पास ही में मेरी ननद का घर ही, वहाँ पे चले घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग का रोज़ आना नहीं होता है, कभी कभी आना होता है, तो आने के टाइम पे सबके घर पे जाना होता है। तो हम लोग निकल गए घूमने के लिए। मैं कुछ बोल रही थी पर वहाँ पे इतना शोर था, वो अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया, फिर मुझे इसलिए वॉइस में बता दिया क्लिप डाल के। और ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, तो हम लोग पहुँच गए, वो है मेरी ननद का घर। ये लोग सब देवरानी जेठानी, सब चार भाई है, एक साथ बैठे हैं, पर अलग अलग उनका घर है। और पास ही में होटल भी है, तो हम लोग अभी ननद के घर पे आ चुके हैं, ननद का घर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी ननद के घर में। उन्होंने हम लोग तो अंदर घुस गए पर ननद घर में नहीं थे, वो बाहर गई हुई थी थोड़ा, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो आ जाएंगी। उन्होंने फ़ोन कर दिया है तो आ जाएगी, तो हम लोग अभी घर देखने लगे। चलिए ऊपर चलते हैं, क्या है कैसा है देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि ये बनने के बाद मैं नहीं आई हूँ। और ये चार तल्ला है, मालूम नहीं किधर क्या है, तो ढूंढ ढूंढ के चलते हैं। चलिए, और यहाँ पे है शायद उन लोग का बेडरूम, बेडरूम देख लेते हैं। और ये है बेडरूम, मेरी ननद का बेडरूम है, और पास ही में। और ये है बड़े भंजा का रूम, और यहाँ पे वो सो रहे थे, मेरा वीडियो देखते वो भाग गए। फिर यहाँ पे दूसरे भांजा का रूम है, ये नहीं थी घर पे, स्कूल पे थे हम लोग जब गए थे, वो नहीं आए थे, बाद में आ जाएंगे थोड़े टाइम में। ये स्टडी रूम, और यहाँ पे बहुत सारा रूम है, बस मैं भांजा का और बहन का रूम देख के, ननद का रूम देख के यहाँ से नाम गई, नीचे उतर गई, क्योंकि ननद आ चुकी थी, वहाँ बाहर नीचे से बुला रही थी। तो चलिए उनके साथ चलते हैं, अभी उनको दिखाते हैं आपको। यहाँ पे भी रूम है, और ये होटल की डिज़ाइन से बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है घर, मुझे अच्छा लगा देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मैं पहले नहीं आई थी ये घर बनने के बाद। फिर किचन में चलते हैं, किचन में, और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत है। और बाबू भी बहुत खुला मैदान मिला था, वो भी खेल रहा था। और यहाँ पे है किचन, तो किचन पे चली, वो है हमारे दामाद जी, दामाद जी भी आ चुके थे। और ये मैं बैठी और मेरी मम्मी, और ये है दामाद जी, और ये है बहन, वो आके चाय बनाने लगे हम लोगों को देने। फिर बच्चे लोग सब अंदर रूम पे जाके बैठ के वो लोग टीवी देखने लगे, मैं उन लोगों को ढूंढ रही थी कौन सा रूम पे है, वो लोग पता नहीं, मैं और ननद मिल के देख रहे थे कि वो लोग कहाँ बैठे हुए थे। ये यहाँ पे भी नहीं थे, ये दो रूम पे नहीं थे। फिर चाय पीने के बाद हम लोग छत पे चले गए, छत में बहुत धूप भी था, नीचे तो ठंड था पर ऊपर धूप था।
और वहाँ से रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा था, बहुत नज़दीक है, बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ उनकी बगल में ही देवरानी का घर है, वहाँ पे एक डोगी भी था, डोगी को देख के डर लग रहा था, वो देख के हम लोग को भाव भाव करने लगा और हम लोगों ने फ़ोटो भी क्लिक किया। फिर हम लोग उतर गए वहाँ से, मम्मी जी भी उतर गई, मम्मी जी भी गई थी हमारे साथ। और वो डोगी फिर से एक बार छत का पूरा व्यू दिखा देती हूँ, सामने साइड फ्रंट साइड पे रास्ता है वो भी दिखा देती हूँ। की जेठानी दीदी सुमित्रा दी, इनको मैं बहुत पहले से पहचानती हूँ। वो हमारे वहाँ पे बहुत घर पे उनसे मुलाकात हुआ था मेरी पहली बार, मैंने थोड़ा मधु ले लिया घर आ गए, वहाँ से निकल के बाबू का तबीयत थोड़ा खराब था, काला तुलसी बना के उसको खिला दूंगी, और इसी बाटी में गर्म अदरक को लेके पका के उसको खिलाने के लिए तैयार कर रही थी। और मेरा वीडियो आज में ही तक रखती होगा, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।